अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। शहीद जवान कालूलाल फौजी का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लेकिन पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा तो घर में चीख पुकार मच गई। वहीं शहीद की वीरांगना पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बहादुरी दिखाते हुए शहीद की वीरांगना पत्नी ने गर्व से जय हिंद बोला तो एकदम वो बेहोश हो गई। वहीं शहीद के पिता सैनिक फौजी से लिपट कर खूब रोए। ऐसे गमगीन माहौल देख हर किसी की आंख नम हो गई। वहीं सेना के जवानों के आंखों से भी आंसू झलक पड़े। मां भारती के लाल ने पश्चिमी बंगाल के पानागढ़ में रहते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। वहीं आज उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर पैतृक गाँव पहुँचा है। बता दें कि राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडोली उपखंड क्षेत्र के गांव हनुमानपुरा के रहने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैनिक कालूलाल नागर जी पश्चिमी बंगाल के पानागढ़ में शहीद हुए थे। वहीं आज उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव सड़क मार्ग से होते हुए पहुंची है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों हजार लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वहीं ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए जवान का पार्थिव शरीर आज उनके निवास स्थान पहुंचा है। साथ ही सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, हवाई फायर कर सशस्त्र सलामी के साथ में उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया है। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर देख शहीद की वीरांगना पत्नी टीना का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं दूसरी तरफ शहीद जवान के माता पिता के आंखों से आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि कालूलाल नागर देश की रक्षा में शहीद हो गए हैं, घर पर हजारों हजार लोगों का हुजूम उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। सेना के विशेष वाहन से शहीद जवान की पार्थिव देह सड़क मार्ग से होते हुए आज उनके पैतृक गांव पहुंची है। हजारों हजार लोगों की मौजूदगी में शहीद के पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया। जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनको मेरा सलाम है, अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को मेरा सलाम है। कालूलाल नागर के दोस्त बताते हैं कि कालूलाल नागर शुरू से ही परिसर में थे। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ मेहनत मजदूरी भी की और सन 2000 में कालूलाल नागर का जन्म राजस्थान के बूंदी जिले में हुआ था। वहीं 2019 में उनका भारतीय सेना में चयन हो गया। कालूलाल नागर में देश सेवा के प्रति जुनून था। वे सेना के कार्य को तवज्जा देते थे और सबसे पहले भारतीय सेना के सभी काम को निपटाते थे। वहीं छुट्टी के लिए भी जब घर पर आवश्यक होता था तभी वे आते थे, नहीं तो वे मां भारती की सेवा करना चाहते थे। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से लगा लेना ये धरती माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जवान कालूलाल नागर राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडोली उपखंड क्षेत्र के गांव हनुमानपुरा के रहने वाले थे। उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी और अल्पायु में ही देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए हैं। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर आज सेना के विशेष वाहन से सड़क मार्ग होते हुए उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पूरे राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आगे की अपडेट के लिए आप अपर असम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बने रहें, ताकि आगे की अपडेट आप तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।